हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जीवों में प्रजनन किस तरह से होता है, और इसका पहला भाग अलैंगिक प्रजनन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रजनन होता क्या है? अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना, उसको हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स? वो इसलिए करते हैं ताकि स्पीशीज जो है वो कंटिन्यूअस रहें। अगर प्रजनन नहीं करेंगे तो लुप्त हो जाएंगी स्पीशीज। जिंदा रहने के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रजनन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए जरूरी है। अब ये दो तरह का होता है प्रजनन, एक अलैंगिक प्रजनन और दूसरा लैंगिक प्रजनन। जो अलैंगिक प्रजनन है, इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता। गैमेट्स बनते ही नहीं है। इसमें माइटोसिस होता है, सेल्स में जो डिवीजन होता है, और ये उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी बॉडी का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जैसे अमीबा है, फंगस है, इनमें होता है ये। और जो लैंगिक प्रजनन है, इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल फीमेल। गैमेट्स बनते भी हैं, उनका फ्यूजन होता है, और सेल डिवीजन की टाइप देखें तो इसमें मियोसिस होता है। और ये ज्यादातर सभी ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में और एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, रैबिट्स और सभी, हाथी हो गया, सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब हम अलैंगिक प्रजनन की डिटेल करेंगे। ये कितने टाइप की होती है? पहली टाइप इसमें है फिशन, फिर बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब फिशन की डिटेल पढ़ते हैं कि फिशन क्या होता है। फिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है दो में। एक से दो बनेंगे तो बाइनरी फिशन हो गया, और एक से ज्यादा बनेंगे तो वो हो गया मल्टीपल फिशन। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है ज्यादातर। और यूनिसेलुलर दो ही किंगडम है हमारे पास, मोनेरा, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोटिस्टा जो हैं ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। अब हम डिटेल करते हैं बाइनरी और मल्टीपल फिशन की। पहले बाइनरी फिशन की डिटेल्स पढ़ते हैं। बाई का मतलब दो होता है, तो एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनना, यानी एक सेल जब डिवाइड करती है तो उससे दो सेल्स बन जाएंगी, और ये बैक्टीरिया और अमीबा में होता है। अमीबा में सेल डिवीजन किस तरह से होता है? मतलब एक तरह से उसकी जो सेल है उस वही किसी भी प्लेन से दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। और बाइनरी फिशन में क्या होता है, पर्टिकुलर एक्सिस में भी हो सकता है, एक्सिस के अलोंग हो सकता है ये, जैसे लेशमानिया है, ये एक तरह का प्रोटोजोआ है, और इससे काला आजार डिजीज होती है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है, लेंथ के वाइज ये डिवाइड करता है, एक ऑर्गेनिज्म से दो बन जाते हैं। फ्लैजेला होता है इसके एक एंड पे, और सेल डिवीजन जो है उस फ्लैजेला के अलोंग ही होता है लेशमानिया में। अब बाइनरी फिशन अमीबा का देखें हम, ये पेरेंट सेल है। सबसे पहले क्या होगा, इसका ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड कर जाएगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। देखो, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया तो एक न्यूक्लियस इस दूसरी सेल में चला गया, और अब ये दोनों सेल अलग अलग हो गई, तो एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन गई। ये बाइनरी फिशन होता है। लेशमानिया में अलोंग फ्लैजेला होता है, ये देखो, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। अब ये देखिए फ्लैजेला, यहां से भी देखें तो हम, ये फ्लैजेला डेवलप होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे ये फ्लैजेला भी पूरा डेवलप हो गया, और ये देखो यहाँ से अब ये डिवाइड करना शुरू हो गया, और ये एक पेरेंट सेल से
दो डॉटर सेल्स बन गई और ये डिवीजन है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, लेशमानिया में होता है। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल का मतलब मैनी होता है। यहाँ पे क्या है कि एक सेल उससे बहुत सारी डॉटर सेल्स बनेंगी एक ही साथ। अब इसका ये न्यूक्लियस था और ये न्यूक्लियस बार 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 डिवाइड करता जाता है, जबकि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता और ये अपने अराउंड सिस्ट बना लेता है। सिस्ट जो है ये वॉल लेयर्स होती हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये सिस्ट वॉल जो है वो ब्रेक हो जाएगी और ये डॉटर सेल्स रिलीज होंगी। तो एक पेरेंट सेल से बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती हैं, इसको हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, इसमें मल्टीपल फिशन होता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़ा होता है, टुकड़ों में बट जाए जब एक ऑर्गेनिज्म और हर टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। स्पाइरोगाइरा ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनिलिड्स हो गए, अर्थवॉर्म आता है इसमें, स्टार फिश, फंगस हैं, लाइकन्स हैं, कुछ एल्गी हैं, एल्गी में ये स्पाइरोगाइरा हमने यहाँ पे पढ़ाई। तो इनमें क्या होता है कि इनकी बॉडी के जब ये फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़े हो जाते हैं, ये पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी के फ्रेगमेंट्स हो गए और ये फ्रेगमेंट्स फिर पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गई। अब रीजेनरेशन, रीजेनरेशन में क्या होता है, री का मतलब पुनः होता है और जेनरेशन का मतलब बनना, तो दोबारा से बनना। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा हो गया, इसमें प्लेनेरिया हो गया, ये रीजेनरेशन के थ्रू ही नया इंडिविजुअल बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है इनमें क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इनकी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी होती है और सारी सेल्स एक जैसी होती हैं, तो ये आसानी से, ये जो जब इनकी बॉडी का कोई पार्ट अलग हो गया तो दूसरे जो पार्ट्स हैं वो आसानी से उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगी क्योंकि ये एक ही जैसी सेल्स के बने हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स मिलके टिश्यूज और टिश्यूज मिलके ऑर्गन और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड यूनिट की तरह काम करते हैं और इनमें ऐसे पूरी बॉडी का रीजेनरेशन नहीं हो सकता, इनमें सिर्फ जो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स हैं उन्हीं का रीजेनरेशन होगा, जैसे कि स्किन, मसल्स, ब्लड एटसेट्रा। ये पूरा का पूरा इंडिविजुअल रीजेनरेशन से नहीं बना सकते। अब हम प्लेनेरिया में कैसे रीजेनरेशन होता है इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। ये प्लेनेरिया की जो बॉडी है अगर इसको हम थ्री पार्ट्स में भी डिवाइड कर देते हैं, ये कट जाए, मान लो थ्री पार्ट्स हो जाए इसके, तो हर एक पार्ट, ये पार्ट, हर एक पार्ट जो है बाकी का जो लॉस्ट पार्ट है उसको बना लेगा और कंप्लीट प्लेनेरिया एक छोटे से एक पार्ट से, किसी भी पार्ट से बन जाएगा। तो ये रीजेनरेशन होती है। प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म्स में आता है और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये रीजेनरेशन का। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है, ये फंगस में और मल्टीसेलर एनिमल्स में होती है। बडिंग में क्या होता है कि जो ये पेरेंट बॉडी है इसमें देखो साइड में ऐसे बड बननी शुरू हो जाती है, ये बड धीरे धीरे ऐसे ग्रो करती है और जैसे जैसे ये ग्रो करेगी ना तो यहाँ पेरेंट सेल से न्यूक्लियस जो है डिवाइड होके इसके अंदर चला जाता है।
और ये बड़ धीरे धीरे साइज में बढ़ती है, और जब इसका साइज बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, और वॉल फॉर्मेशन के बाद ये अलग हो जाती है। इसमें खास बात क्या है कि बडिंग से जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो डॉटर सेल बनती है वो अनइक्वल साइज की बनती है, और उसमें बाद में ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ होके वो पेरेंट साइज तक अडल्ट साइज की बन जाती है। यीस्ट, फंगस, हाइड्रा, इन सभी में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। हाइड्रा में खास बात क्या है कि ये जो डॉटर सेल बनी है इसमें माउथ और टेंटिकल्स भी बन जाते हैं। ये छोटी सी डॉटर सेल है और इसके अंदर ये टेंटिकल्स और ये माउथ डेवलप हो जाता है, और जब ये डिटैच हो गई तो फिर ये पूरा अडल्ट साइज में कन्वर्ट हो जाती है। अब स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन ज्यादातर फंगस में होता है, जो फंजाई हैं उनके अंदर एक ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाई स्पोर फॉर्मेशन। ब्रेड मोल्ड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, राइजोपस नाम होता है ब्रेड मोल्ड का। ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है ना जब खराब हो जाता है, तो वो ब्रेड मोल्ड होती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो ब्लॉब की तरह की स्ट्रक्चर है इनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाएंगे तो स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, हवा में आ जाते हैं ये, और सॉइल पे भी गिर जाते हैं। लेकिन इनके अराउंड प्रोटेक्टिव वॉल होती है, और जब फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी इन स्पोर्स को ये ग्रो कर जाएंगे और फिर से एक नया इंडिविजुअल बना लेंगे। अब हम करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जैसा कि इसका नाम है, वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बनाया जाता है। वेजिटेटिव पार्ट्स हैं स्टेम, रूट और लीव्स। अब सबसे पहले लीफ के थ्रू करते हैं, कैसे होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पत्थर चट में होती है, ये पत्थर चट दिखाया हुआ है मैंने। पत्थर चट में क्या होता है कि ये जो लीफ मार्जिन है, लीफ मार्जिन पे लीफ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, नोचिज हैं ये, और या इन नोचिज में लीफ बर्ड्स हैं। और ये लीफ बर्ड जब इस पेरेंट प्लांट से डिटैच होके सॉइल में गिर जाएगी तो वहीं पे नया प्लांट उग जाएगा। ये हो गई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीफ। अब करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम। पोटैटो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पोटैटो में ये नोचिस जो हमें दिखाई दे रहे हैं, आईज कहते हैं इनको, ये एक्चुअली एडवेंटेशियस बर्ड्स होती हैं। पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, ये हमें सबको पता है। और इसकी ये जो बड है, ये आई, इसको काट के और सॉयल के अंदर दबा दिया जाता है, फिर ये पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है। अब रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह होता है। न्यू प्लांट्स जो ग्रो करेंगे स्वोलन रूट से, ट्यूबर्स में ऐसा होता है, रूट ट्यूबर। शकरकंदी आप सबने खाई होगी, इसको स्वीट पोटैटो कहते हैं इंग्लिश में। स्वोलन रूट है, फूड स्टोर्ड होता है इसके अंदर। तो इसमें स्टेम की जो टाइप है वो राइजोम होती है, राइजोम के बेस पे बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये बर्ड्स जो हैं फिर ये नए प्लांट में ग्रो कर जाती हैं। हम ऐसे स्वीट पोटैटो को जिसके ऊपर ये बड होती है उसको सॉइल में दबा देंगे तो नया प्लांट उग जाएगा थ्रू रूट। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन से अच्छा क्यों है। देखो इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि जिन प्लांट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो करते हैं उनमें फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी, एज कंपेयर टू उन प्लांट्स के जिनमें सीड्स बनते हैं। दूसरा, जो जिन प्लांट्स के सीड बनते ही नहीं है
जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज, जस्मिन और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को भी हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, जिनमें सीड बनते ही नहीं। और तीसरा इसका कारण है कि सारे के सारे प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से बनेंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, पेरेंट प्लांट के एकदम सेम होंगे, क्लोन्स कहते हैं उनको हम, जो पेरेंट प्लांट के प्लांट जैसे एकदम सेम होते हैं जेनेटिकली, कोई जेनेटिक लेवल पे, जीन्स के लेवल पे, डीएनए के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें। और ये जो मेथड है बहुत फास्ट भी है और एफिशिएंट भी है, तो इसलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है प्लांट्स में वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन से एक अच्छा, एक बेहतर तरीका है। अब कटिंग, कटिंग से कैसे प्लांट्स उगाएं हम? कटिंग रोज इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ले लेते हैं रूट, स्टेम या लीव्स का। यहाँ पे हमने ये देखो स्टेम का पार्ट लिया है, इसमें ये ब्लेड की हेल्प से काट दिया है इस एक ब्रांच को, लेकिन उस ब्रांच में क्या होना चाहिए, बड होनी चाहिए। फिर उसको हम सॉयल में डाल देते हैं, और सॉयल में डालने से क्या होता है, ये भी पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये है कटिंग मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब लेयरिंग, लेयरिंग में क्या करते हैं, ये पेरेंट प्लांट है और इस पेरेंट प्लांट से शूट इसकी जो है, यानी ब्रांच हम ले सकते हैं, इसमें जो नीचे की तरफ की टहनियां हैं उनको झुका के सॉयल के अंदर ले आते हैं और ये लीव्स ऊपर की तरफ छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, जिस पार्ट को हमने सॉयल के अंदर डाला है उसमें रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, तो हम इसको यहां से अलग कर देंगे फिर, और इस तरह से लेयरिंग से एक नया प्लांट जो है वो उग जाएगा इस पेरेंट प्लांट से। अब ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में हमें ये तिरछी काट करनी होती है। एक प्लांट हम ऐसा लेते हैं जिसमें रूट होती है, और दूसरा हम ऐसा लेते हैं जिसमें रूट नहीं होती। जिसमें रूट है उसको स्टॉक कहते हैं, जिसमें नहीं है उसको सियोन बोलते हैं। और फिर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा जाता है कि इनका वास्कुलर सिस्टम जो है, यानी जाइलम, फ्लोयम, ये बंडल्स जो हैं वो एक हो जाएं, और फिर इसको हम बांध देते हैं, वैक्स भी लगा देते हैं ताकि मॉइस्चर रहे, और ये पूरा का पूरा फिर एक प्लांट हो गया। हमने दो प्लांट से उनकी ग्राफ्टिंग करके एक नया प्लांट बना दिया है। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है कि जो सेल्स होती हैं वो प्लांट की ग्रोइंग टिप से, मेरिस्टेमेटिक रीजन से ली जाती हैं। लीफ से ले सकते हैं, रूट टिप से ले सकते हैं, या स्टेम की टिप से लेते हैं, और उनको हम न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं। फिर ये सेल्स जब ग्रो करती हैं तो एक मास बन जाता है, ग्रुप बन जाता है सेल्स का, और इस ग्रुप को हम कैलस कहते हैं। यहाँ पे सेल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं हम, ये पूरा का पूरा ऐसे ग्रुप होता है सेल्स का। फिर हम इस कैलस को एक ऐसे मीडियम में रख देते हैं जिसमें हॉर्मोन्स होते हैं ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए, तो यहाँ पे प्लांटलेट्स बन जाती हैं। ये प्लांटलेट्स फिर ग्रो करेंगी न्यू प्लांट में, अगर इनको हम सॉइल में डालें। अब टिश्यू कल्चर के फायदे क्या हैं? टिश्यू कल्चर से क्या है कि हम एक ही टाइम में एक ही पेरेंट से बहुत सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, डिजीज फ्री होंगे सारे के सारे पौधे, क्योंकि हम टिश्यू कल्चर जो है ऐसे एनवायरनमेंट में करते हैं, स्टेराइल एनवायरनमेंट में किया जाता है ये। और टिश्यू कल्चर का और क्या फायदा है कि हम उन प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं
जो वैसे ग्रो नहीं किए जाते, और सबसे ज्यादा टिश्यू कल्चर से जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स हैं। मेडिसिन्स बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्लांट्स चाहिए होते हैं, और एक टाइम में बहुत सारे प्लांट्स हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से लैब में ही एक ही टाइम में बहुत ज्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। देता हूँ।